एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फिट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन महिलाओं की डिलीवरी दिसंबर, जनवरी या फरवरी में होने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको डिलीवरी के बाद जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखा है उसी तरह से आपको डिलीवरी के बाद भी अपना ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ आपके बच्चे का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार माँ बन रही हैं, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखेगी तो आपकी जो डिलीवरी के बाद का जो टाइम है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि 40 डेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक नई माँ के लिए, जो जापा होता है उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसका खामियाजा फिर आपको पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है। कमर का दर्द नहीं जाता है या और तरह की प्रॉब्लम रहती है, फिर महिलाओं के माइंड में आता है कि काश मैंने उन 40 दिनों में अपना ध्यान अच्छे से रख लिया होता है, कुछ बातों का ध्यान रख लिया होता तो ये प्रॉब्लम मुझे अब नहीं होती या मुझे ये प्रॉब्लम से दो चार नहीं होना पड़ता। तो फ्रेंड्स, वो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगी किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का टाइम तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है या इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके घर में एक बच्चा पल रहा होता है, एक जान पल रही होती है, तो आपको अपना ध्यान के साथ साथ आपके बच्चे का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट अब क्या है, डिलीवरी के बाद वो जो जान है वो आपके हाथ में आ चुकी है, बच्चा बाहर आ चुका है, तो ऐसे में बच्चे का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही आपको अपना भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे में आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा वीक है अभी और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी को सपोर्ट करेंगे तो बॉडी भी जल्दी हील होगी, आप भी बैक टू वर्क आ पाएंगी और जल्दी से शेप में आ पाएंगी और अपने बच्चे की भी जो एक स्टार्टिंग की इनिशियल टाइम है उसको अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगी। बहुत सारी महिलाओं का जो एक्सपीरियंस है इतना ख़राब हो जाता है कि वो स्टार्टिंग के टाइम को अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाती, अपने मदरहुड को इन्जॉय नहीं कर पाती, रिग्रेट उनको होता रहता है कि ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो फ्रेंड्स, वो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका जैसे डिलीवरी अब सर्दियों में होने वाली है तो पहले से ही आप सर्दियों के कपड़े की तैयारी करके रखें अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। बच्चे के लिए अच्छे से सॉफ्ट अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े खरीद के रखें, कैप खरीद के रखें, हाथों के दस्ताने और मोजे खरीद के रखें, पीछे चार पेयर खरीद के रखें और साथ ही साथ आप अपने लिए भी खरीद के रखें गर्म कपड़े, शॉल और स्वेटर इस तरह से रखें कि फ्रंट ओपन हो ताकि आपको फील कराने में प्रॉब्लम ना हो। और जैसे आप बच्चे को बार बार फील कराएंगी तो आपका भी बॉडी जब बार बार मतलब वहाँ से कपड़ा हटेगा, ठंड लग सकती है, हवा जा सकती है, तो इस तरह से रखें कि आपका पूरा पार्ट कवर रहे। जब ब्रेस्ट फीड करें तो बस खाली ब्रेस्ट वाला एरिया ही आप बाहर निकाल पाए, तो फ्रंट ओपन आपके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े हेल्पफुल होने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। तो गाउन खरीद के रखें, शॉल खरीद के रखें, अपने लिए भी कैप खरीद के रखें, दस्ताने और मोजे खरीद के रखें, अपने आप को भी उसी तरह से कवर रखना है जैसे आप छोटे बच्चा करके रखेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब नई नई माँ बनती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है, हवा लगने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपके जॉइंट्स में पेन बना रहता है, पूरी लाइफ वो पेन बना रहता है, तो डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आना है, आपने आपको कवर करके रखना है। तो इस तरह से आप ठंड से भी बचेंगी और बाहर की हवा से भी बचेंगी और आपकी जो बॉडी है जल्दी से रिकवर हो पाएगी। नेक्स्ट टिप्स है वो है आपका कि आपने आपको डिहाइड्रेशन से बचा के रखना है और साथ ही साथ जो पानी है, पानी में आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है स्टार्टिंग के 40 डेज। तो खासकर चाहे आप कुल्ला करती हैं, पानी पीती हैं, हाथ धुलती हैं, कुछ भी करती हैं, वो आपका गर्म पानी होना चाहिए, लूक वार्म वाटर होना चाहिए। और पानी पीने के लिए तो आपको बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना है, आप अपने रूम में ही इस तरह की बॉटल रख सकती हैं जिसमें गर्म पानी को स्टोर करके रखा जा सके। और साथ ही उस पानी में आप अजवाइन है, आपका सौंफ है और ये सारी जो गर्म चीज़ें होती हैं ये आप उबाल के रखें पोटली बना के। इससे क्या होता है कि इस तरह का पानी पीने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है जल्दी से बर्न होता है और आप पहले की तरह ही अच्छी बॉडी में शेप आने में आपकी बॉडी को हेल्प मिलती है, मजबूती मिलती है। और जो ये गर्म तासीर की होती है आपकी बॉडी में, अंदर से ही आपको एक गर्माई मिलती है, बॉडी एक्टिव रहती है, तो ये वाला पानी पीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टिप्स है आपका जैसे आप डिलीवरी के बाद घर आती हैं तो घर में वो वाला रूम जो आपको दिया जा रहा है वो इस तरह का एक तो होना चाहिए कि उसमें डायरेक्ट सनलाइट आती हो, बाहर की हवा आती हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें ना हवा पानी मतलब किसी तरह का कुछ ना एकदम बंद हो, इस तरह का रूम भी नहीं रहना है, बाहर की हवा आती जाती रहे, वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए। और साथ जैसे डिलीवरी आपकी होने वाली है उससे पहले ही जो भी सारे ज़रूरी सामान आपके हैं, आपके बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे के जो कपड़े हैं सारे आप
उस अलमारी वहीं रखे उस रूम में, और एक प्रॉपर अलमारी में ऑर्गेनाइज करके रखे, क्योंकि ऐसे में जब आप डिलीवरी करके आएंगी तो आप बार बार नहीं उठ पाएंगी, कोई और दूसरा हेल्पिंग हैंड आपके साथ होना चाहिए ताकि चीज़ें निकाल के आपको दे सके आपके बच्चे का। जरूरी नहीं है कि हर सामान आप ही उठ के निकालें, तो ये वाला चीज़ आप पहले से ही घर में बता के रखें कि ये सामान मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करा है, बच्चे का कहाँ रखा है, आपका खुद का सामान कहाँ है। मैटरनिटी पैड खरीद के रखें, पैड्स खरीद के रखें, क्योंकि क्या होता है कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स होता है, किसी को 10 दिन तक होता है, किसी को लगभग 40 डेज तक ही होता है। तो उस तरह से ही आप पैड अपने रखें, मैटरनिटी पैड रखें, उसी तरह की पैंटी आप खरीद के रखें, ये सारी चीज़ें आप पहले से रखें, बाद में डिफिकल्टी नहीं होंगी, क्योंकि अचानक से जब अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही एड ऑन हो जाती है बेबी आने के बाद, फिर ये इस तरह से तो जो सिलेक्शन होता है कपड़ों का, चॉइस का, ये सारी चीज़ें परेशानी का सबब बन जाता है। हर एक चीज़ फटाफट मार्केट से भाग के खरीद के और मतलब अरेंज करना, ये डिफिकल्टी हो जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम ना, इससे पहले ही आप चीज़ों को कलेक्ट करें। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीड को लेकर, जैसे ब्रेस्ट फीड का एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार मदर बन रही हैं, तो आप पहले से उस चीज़ को प्रैक्टिस करके रखेंगी तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिल्क बन रहा है बट बच्चा पी नहीं पा रहा, उसकी भूख भी नहीं हो पा रही क्योंकि बच्चा अच्छे से पी नहीं पाता है। तो ऐसे में बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी होगी, आपको पिलाना नहीं आ पा रहा, पोजिशन आप ठीक नहीं रख पा रहे हैं बच्चे की, तो इस चीज़ को पहले से प्रैक्टिस करके रखें। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको गाइड कर सकती हैं कि इस तरह से बच्चे को फीड कराना चाहिए जो नई नई माँ होती हैं, तो ये जरूर आप पहले से ये वाले एक्सरसाइज करके रखेंगी तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके बच्चे के लिए भी हेल्पफुल होगा, किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डिलीवरी के बाद, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कराती हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आती हैं और डिप्रेशन भी हो जाता है पोस्टमार्टम, जो डिप्रेशन होता है वो फ्रेंड्स बहुत बहुत ज़्यादा खराब होता है महिलाओं के लिए, उसे रिकवरी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है समटाइम। तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी केयर कर पाए, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पहले से उस चीज़ के बारे में नॉलेज ला के रखें, क्योंकि जब वो सिचुएशन आपके सामने आए तो आप उससे अच्छे से टैकल कर पाएँ, अच्छे से हैंडल कर पाएँ। फ्रेंड, जो नेक्स्ट टिप्स है वो है, जैसे अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, कपल रह रहे हैं जॉब की वजह से, काम की वजह से, तो आप डिलीवरी होने से पहले ही अपने फैमिली मेंबर में किसी को भी बुला लें। अगर पॉसिबल नहीं है ऐसा तो आप अपने लिए डोमेस्टिक हेल्पर जरूर लगा के रखें, पहले से उसको लगा के रखें, ताकि क्या होगा कि कम्युनिकेशन एक तो गैप नहीं होगा आपको और उसका काम आपको समझाने में और उसको काम समझने में आसानी होगी। तो ये चीज़ पहले से ही करके रखें, एट अ टाइम बिल्कुल भी बेकार हो जाता है कभी कभी, तो मिलने में, रिलेटिव्स को आने में, जिस किसी को भी आप बुलाना चाह रही हैं, आना चाह रही है, तो उसको आने में 2-4 दिन का टाइम लग जाता है, तो जो ये गैप है 2 से 4 दिन का, इसको मैनेज करना जरा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपके लिए टेंशन का कारण बन सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फ्रेंड्स, आप अगर किसी को रिलेटिव्स को बुला रही हैं, अपनी मदर हैं, मदर इन लॉ आपके हेल्पिंग के लिए आने वाली हैं, या आप डोमेस्टिक हेल्पर लगा रहे हैं, तो डिलीवरी से पहले ही उनको बुला लें, ताकि सारी चीज़ों को समझाया जा सके, उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि क्या सामान कहाँ रखा है, अननेसेसरी आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा कि कहाँ सामान कहाँ रखा है, आपको बार बार वो नॉक करके बोलेंगे, पूछेंगे कि क्या कहाँ क्या सामान रखा है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उनको पहले से ही अरेंज करके रखें, ताकि बात का जो टाइम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने बच्चों को दे सकें, आप आराम कर सकें, क्योंकि 40 डेज आपका आराम करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। जो स्टार्टिंग के 40 डेज होते हैं, आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम मिलता है, आपको जो नई चीज़ें समझने में, आपकी बॉडी को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, स्लीप नहीं आ पाती है, बच्चा साथ में है, बार बार फीड के लिए उठता है, चाहे आप अपना दूध पिलाती हैं या वाटर का पिलाती हैं, बट उठना आपको पड़ता है। तो ये वाली ड्यूटी को भी आप डिवाइड करके रखेंगी, तो ज़्यादा ज़्यादा स्लीप करेंगी तो जल्दी आपकी बॉडी हील होगी, जल्दी से रिकवर आप कर पाएंगे। जो नेक्स्ट टिप्स है वो है आपके टाके को लेकर, अगर आपकी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो यहाँ पर टाके बहुत सारी महिलाओं को नहीं लगते हैं, बहुत सारी महिलाओं को लगते हैं। अगर आपको लगे हैं तो यहाँ पर आप अपने पैर बहुत ज़्यादा खोल के नहीं रखेंगे, आलती पालती नहीं मार के रखेंगे, सीधे कोशिश करें कम से कम 6 से 7 दिन, ताकि टाकों को सूखने में और उनको हील होने में हेल्प मिल सके। इस तरह से आप अपने पैर खोल के रखेंगी तो टाके फट सकते हैं, कट सकते हैं, उनको हील होने में टाइम लगेगा, पस पड़ सकता है। प्रॉपर से आप उस पर दवाई लगाएं और सिकाई करें, जो भी आपके डॉक्टर ने बताया, गर्म पानी की सिकाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आपको अपने प्राइवेट पार्ट के टाकों की केयर करनी है, बहुत हेल्प मिलती है और जल्दी हील होते हैं। साथ ही जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना भूल गई, वो है अगर जैसे रिलेटिव्स है या कोई बाहर के आपसे मिलने आते हैं, तो कोशिश करें एक तो आपके डायरेक्ट उस कमरे में ना जाए जिसमें आप और आपका बच्चा है, और अगर कोई बीमार है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो डायरेक्ट बच्चे को उस कॉन्टैक्ट में देने से बचें, क्योंकि इससे क्या होगा आपके बच्चे को वो इन्फेक्शन लगने के चांसेस है, आप भी बीमार हो जाएंगे, आपका बच्चा भी बीमार हो जाएगा। तो ऐसे में कोशिश करें कि अवॉइड ही करें डायरेक्ट बच्चे को देने के लिए और डायरेक्ट आपके रूम में आने के लिए, क्योंकि बाहर का बैक्टीरिया तुरंत आपको कैच कर सकता है, क्योंकि आपकी भी इम्यूनिटी वीक है और बच्चे की तो है। तो ये फ्रेंड्स सारी बातों का आप ध्यान रखेंगी तो आपको जो डिलीवरी के बाद का जो टाइम है बहुत अच्छे से निकल जाएगा, आपका बच्चा भी बीमार नहीं होगा,
आप भी अच्छे से इन्जॉय करेंगी। तो फ्रेंड्स ये सारे टिप्स शायद आपको हेल्पफुल लगे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिनकी डिलीवरी होने वाली है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।